गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यार अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं जगा हूँ तो देखो हमारे घर में क्या चल रही है। इधर की साइड चल रही है भाई साफ सफाई। तो ये मान लो घर में लेडीज़ वगैरह है, मान लो सुबह 4 बजे उठती है और रात को करीबन 12 बजे तक सोती है, तो सोचो कितना ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल होता है लेडीज़ वगैरह के लिए। मैं सही में क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। सोचो सुबह 4 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना और फिर सुबह 4 बजे उठ जाना, फिर रात को 12 बजे सोना, कितना हार्ड टाइम टेबल है। तो मेरे उठने से पहले पहले तो देखो ये घास के भरोटे आ चुके हैं जिनको हमें इस मशीन की कुट्टी से कुट्टी करनी है इनकी, फिर जाके इनको भैंसों को डालना है। एक दो भरोटे आ चुका है भाई, बहुत हार्ड सीन है। अब हमारा काम है इसको कुट्टी डालना। वैसे तो खैर भैंस को बिना कुट्टी करे डाल दिया, भैंस लग रही है अपना नाश्ता करने के लिए। हाँ मतलब फुल मज़े में, बहुत शानदार जुगाड़। तो भाई मदर इंडिया ले आई न्यार को घेंटो। न्यार ही खेना पड़ता है ना जी। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? दौसा में इसको बोलते हैं केंटा, जयपुर में इसको बोलते हैं भरोटा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो हर रोज़ की तरह मेरी एक ही जिम्मेदारी है भाई सब्जी की। तो आज है टिंडे की सब्जी, टिंडे के साथ है टमाटर, बाकी तो करते हैं सारा कुछ। तो वीडियो को आखिर तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा। राम राम जी, जय जोहार। तो आज मैं हमारे पास के घर में आया हुआ था जहाँ एक टैलेंटेड लेडी है जिनको ब्लॉग्स बनाने की स्टार्टिंग करनी है। तो मेरा इतना सा फ़र्ज है कि मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ, तो इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। ये है अनीशा भाई, इधर देखो। ये है भाई अनीशा, सबको राम राम कर लो एक बार। तो इनके पास ना कोई कैमरा है ना कोई फालतू इक्विपमेंट्स, इनके पास बस ये मोबाइल फ़ोन है। लेकिन शुरुआत काफ़ी है, एक फ़ोन ही आपके पास हो वो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शुरुआत होती है, शुरुआत में कोई भी VIP आदमी नहीं होता भाई, शुरुआत करनी चाहिए। तो इनके पास ठीक ठाक मोबाइल है, चल जाएगा काम, कर लोगे ठीक ठाक? हाँ, नो प्रॉब्लम। तो करो शुरू। तो आपको शुरुआत करनी है फ़ोन ऐसे पकड़ के, ऐसे सबसे पहले कैसे फ़ोन पकड़ना है, ये अपने चेहरे से इतना दूर हटाना है ताकि अपन अच्छे से इसमें बोल सके और काफ़ी सारा एरिया रिकॉर्ड हो सके, ठीक है? कड़क लगा हुआ है भाई, एकदम कड़क फिल्टर है, इसलिए गोरे गोरे आ रहे हैं। फ़ोन में तो फ़ोन ही ज़्यादा अच्छा, सही बता रहा हूँ, कैमरे में तो एकदम काले काले आ रहे देखो, लेकिन इसमें फिल्टर लगा हुआ है। तो ऐसे शुरुआत करो कुछ भी जो लोगों को अट्रैक्टिव लगे। तो एक बार बोल के दिखाओ, चलो पकड़ो। अरे आप पकड़ो बॉस फ़ोन, मैं थोड़ी पकड़ूंगा। ये देखो अभी से ही, मतलब यार आसान नहीं है ब्लॉग बनाना, मैं वही तो कह रहा था बॉस। चलो कोई नहीं, फील ट्राई अगेन, करो शुरू। यस इस चालू है, आपके फ़ोन से शुरू करो के लिए नया ब्लॉग। तो भाई अब तक 100 से ज़्यादा रीटेक हो चुके हैं और लगातार मेहनत जारी है, देखते हैं कब तक निकल पाता है मुँह से, कब तक नहीं, क्योंकि ये मान लो कि अब 150 मीटर आई है। राम राम जी। हेलो, शाम के बजे 5:30 और मैं आज से नया मतलब न्यू ब्लॉग तैयार कर रही हूँ। तो अभी तुम्हें इतनी जानती नहीं हूँ ना, इतने बातें जितने जानती नहीं हूँ यार। यो यो गाँव में ब्लॉगिंग ऐसा है कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि फिर कहेंगे अरे फलाने की बहू तो बिगड़ गई, फलाने की बहू ये हो गया। यहाँ पे तो गाँव में तो जुगाड़ है, काफी सारी चीजें देखनी होती है लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को इग्नोर करते हो आप शुरुआत कर रहे हो, तो ये बड़ी बात है। आपको देख के 4 लोग और मोटिवेट होंगे और भी अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी यार मुझे तरस आता है लेडीज़ वगैरह पर कि अपना टैलेंट बिखर जाता है, निखर जाता ही हुई। तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप करो शुरू, ठीक है बॉस? तो भाई समथिंग 500 से ज़्यादा टेक्स हो चुके हैं, शुरुआत की लाइन की शुरुआत नहीं हो रही। तो मुझे आपका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है लेकिन आप रुकना मत, झुकना मत। भैया मैं तैसे लग रहूंगी लगातार कर भी, जब हाँ। सीख होंगी जब तैसे लगी रहूंगी भैया, बस ये चीज लगो रहूंगो, सुना आपने लगो रहूंगो। बस ऐसी हमारी, हम कागरे गांव की ऐसी भाषा होती है गांव में तो।
यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ बोलेंगे आके, मतलब नया ब्लॉग बनाएंगे जब बताऊंगी हमारी भाषा, मतलब कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सारी चीज। आप पक्का वो शिवानी कुमारी नहीं है क्या, उसकी तरह पक्का दो दिन में ट्रेंडिंग में जाओगे, मतलब यूट्यूब के सेक्शन में ये छा गई पक्का। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और ये देखो मेरे चाचा जी दूध निकाल रहे हैं भैंस का, और चाची जी मक्खियाँ उड़ा रही है भाई भैंस के आगे से। मतलब हमारे यहाँ ना भैंसों की इतनी भयंकर वाली खातिरदारी की जाती है, जैसे कोई नया नया पहली बार कोई मेहमान आया हो ना उस तरीके से। देखो मतलब यार भैंसों के पीछे ही हमारा पूरा बिजनेस है, तो इतनी खातिरदारी होती है देखो। हाँ हाँ, जैसे राजा महाराजाओं के पहले पंखे चलते थे ना उस तरीके से, ये खतरनाक है सही में यार। हाँ, एक और अलची चीज़ मेरे को दिख गई, मेरे से पिछली बार भी कमेंट पूछा था जब मैंने एक वीडियो डाला था, सामने की साइड जिसमें भैंस खाना खा रही है चर रही है जो भी है, इसको हमारी साइड बोलते हैं खुनुटा, आपकी साइड क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि शुरुआत में गांव के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है जब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे 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 बोलना अच्छे से एक्सपर्टली सीख जाते हैं। तो अभी शाम को 5:30 बज चुके हैं और ऐसा है कि बरसात का मौसम हो रहा है, और बरसात के दिनों में एक्चुअली एक सीन होता है कि चींटियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम आए हैं हमारे गाँव के इस प्यारे से जंगल में, जो देखो अब तो खैर उजड़ गया है, पहले जंगल था भयंकर। अगर आप मेरी वीडियोज़ पिछले रेगुलर टाइम से देखते आ रहे हो तो देख रहा होगा ये जंगल भी आपको काफ़ी टाइम पहले से। तो ऐसा है कि यार बरसात का मौसम हो रहा है, और बरसात के मौसम में एक्चुअली क्या चींटी वगैरह अपना खाना इकट्ठा करके बिल में चली जाती है। तो जैसा कि मैं डेली करता हूँ चींटियों को दाना डालने के लिए, तो मैंने क्या है घी में सेका था ये पंजूरी इसको बोलते हैं, तो डेली का 100 ग्राम में चींटियों को डालता ही हूँ। तो आओ चलते हैं डालते हैं चींटियों को। एक्चुअली क्या है कि रास्ते में चींटियों का बहुत ज़्यादा पड़ाव रहता है, लेकिन रास्ते में कभी नहीं डालने चाहिए, रास्ते से थोड़ा हंस के डालते आ जाओ। पहले यहाँ पानी वानी की व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये मान लो कि टंकी तोड़ दी। लोग मतलब यार हर तरह के किस्म के बदंडी टाइप के लोग होते हैं, ये देखो मतलब ये किसी काम की नहीं है, उसकी थोटी तोड़ दी। अरे यार चालू कर दी वो, अरे वाह पानी आ रहा है उसमें, चला के देख। अरे वाह यार ये एक अच्छा काम कर दिया, पहले तोड़ दी थी किसी ने। ऐसा था यार ये टंकी की जो नली होती है ना ठेठी, वो तोड़ दी थी कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने, लेकिन अभी इसको लगा दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ आया करते थे पक्षियों को पानी वगैरह देने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या इस तरह के परिंडे वगैरह लगवा रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे चिड़ियों के लिए। देखो सामने दिख रहा नहीं, इस तरह के बहुत सी जगह है इसमें, काफ़ी सारी जगहों पर लगा रखे, हालाँकि इधर भी काफ़ी जगहों पर, तो उनको पानी वगैरह देने के लिए हम लोग आ जाया करते थे। लेकिन अभी फिर से टंकी चालू कर दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से कि ये फिर से चालू कर दिया। हाँ जी बॉस, तो हमारे घर पर आपको कैसे लग रहे हैं, आई होप घर जरूर पसंद आए होगा। और एक बड़ी चीज़ मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ऐसा है बच्चे तो रोते रहते हैं, उनकी आवाज़ पे ध्यान मत देना, वो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है साउंड इफेक्ट बोले तो। अब बड़ी चीज़ जस्ट ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोगों को चैनल की शुरुआत करनी हो, तो जो जो भी अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करना चाहता है, ब्लॉग बनाना चाहता है, मतलब एक्स्ट्रा इस तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, आप मुझे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप वहाँ आओ मुझसे कॉलेब करो, मैं हर तरह की संभव हेल्प आपकी करूँगा जितनी मुझसे बन सकेगी। तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वहीं मिलते हैं, जिसको भी मुझसे कोई पर्सनल चैट कर लिया इंस्टाग्राम पे आ जाओ। बाकी तो एक बड़ी चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ऐसा है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जयपुर में पैसे वैसे कहाँ से कमाते हो सारा कुछ जुगाड़, तो भाई ऐसा है मैं बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैंडल करता हूँ, तो कुछ वहाँ से आ जाता है, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर देता हूँ बहुत सारे लोगों की, कुछ पैसा वहाँ से आ जाता है, और बाकी तो आप लोगों की मेहरबानी है ही है, दुआएँ है ही है, जिसकी वजह से मैं ऐसे ऐसे करके जुगाड़ कर लेता हूँ। तो ये कुछ था जुगाड़, बाकी तो सपोर्ट कर देना मोहतरमा को थोड़ा बहुत। राम राम जी, आई होप ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए राम राम, जय जोहार।